अस्सलाम वेलकम टू कुकिंग डिशेस विद अंजुम। आज हम बना रहे हैं मिल्की बार। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें, जिससे आपको हमारी नई रेसिपी की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इसके लिए हमें चाहिए व्हाइट चॉकलेट कंपाउंड लेंगे, स्ट्रॉबेरी कंपाउंड लेना है। पहले हम व्हाइट चॉकलेट कंपाउंड को माइक्रोवेव कर लेंगे, 40 सेकेंड्स के लिए इसे माइक्रोवेव करना है। स्ट्रॉबेरी कंपाउंड को भी हम 40 सेकेंड्स के लिए माइक्रोवेव कर लेंगे। चम्मच चलाते हुए अच्छी तरह से हम इसे मिक्स करेंगे जब तक ये स्मूथ और ग्लॉसी ना हो जाए। स्ट्रॉबेरी कंपाउंड को भी हमने माइक्रोवेव कर लिया था, इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे जब तक ये स्मूथ और ग्लॉसी ना हो जाए। इसे हम साइड में रख लेंगे। प्लास्टिक चॉकलेट मोल्ड लिए हैं हमने इस तरह के, इसके अंदर आप ये व्हाइट मेल्टेड चॉकलेट डालेंगे। आपको ये मोल्ड्स को पूरी तरह ऊपर तक भरना है। आठ मिनट के लिए हम इसे सेट होने देंगे रूम टेम्परेचर पे, फ्रिज में नहीं रखना है, आपको इसको ध्यान देना है। आठ मिनट के बाद इसे एक्सेस चॉकलेट हम निकाल देंगे। ये मोल्ड को आप अपसाइड डाउन करेंगे और पांच मिनट के लिए हम इसे इसी तरह से रहने देंगे ताकि एक्सेस चॉकलेट निकल जाए। इसके बाद हम इसे फ्रिज में रखेंगे सेट होने के लिए। अब ये सेट हो गया है, अब हम इसके अंदर मेल्टेड स्ट्रॉबेरी कंपाउंड डालेंगे। अच्छी तरह से इसे इवनली कोट कर ले और फ्रिज में हम इसे सेट होने के लिए रख देंगे। ये अच्छी तरह से स्ट्रॉबेरी लेयर सेट हो गया है। इसके ऊपर से हम व्हाइट मेल्टेड चॉकलेट डालेंगे। इवनली इसे टैप कर ले ताकि अच्छी तरह से ये इवनली कोट हो जाए। अब हम इसे फ्रिज में रखेंगे सेट होने के लिए। ये सेट हो गया है, हम इसे डीमोल्ड कर लेंगे। एक्स्ट्रा पीसेस को निकाल देंगे ताकि इसे फिनिशिंग टचेस दे दे और मिल्की बार इन स्ट्रॉबेरी फ्लेवर तैयार है। चलिए एक बाइट लेके देखते हैं। मिल्की बार तैयार है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।